साथियों, आज मैं बात करूंगा कि मात्र सोचने मात्र से कैसे हम ठीक हो सकते हैं, विचार करने से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए, मैं पहले बात करूं बताऊं कि विचार से ही हम बीमार हैं, विचार से ही स्वस्थ हो सकते हैं। हमने कंडीशन दी हुई है कि ये डॉक्टर है, ये हमें ठीक कर देगा, या हॉस्पिटल में जाके हम ठीक हो जाएंगे, ये दवाई गोली हम जो खा रहे हैं ये ठीक कर सकती है, ये दवाई से हम ठीक हो जाएंगे। हम इन चीज़ों में हमने अपने मन को डाल दिया है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं कि एक चीज़ है, हालांकि दवाई ठीक है, अपना काम करती है, लेकिन यदि हम जो दवाई ले रहे हैं, जो भी औषधि या डॉक्टर के पास इसके बाद जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यदि वहाँ विश्वास हमारा नहीं होगा तो हम ठीक नहीं होंगे। और इसके विपरीत हमने, क्योंकि विश्वास हमारा ये बन चुका है कि बिना दवाई के ठीक नहीं होंगे, बिना डॉक्टर के ठीक नहीं होंगे, बिना हॉस्पिटल में जाए ठीक नहीं होंगे, ये सब के बिना ठीक नहीं होंगे, सलाह की ज़रूरत पड़नी है, तो हम बीमार भी होंगे। तो है क्या वास्तव में कि सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से हमने अपने आप को, मतलब एक कंडीशंस में लाइफ को बांट दिया। हमने कुछ एक निश्चित ये कर दिया कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। इसके विपरीत हम क्या करें, यदि हम ये विचार करें कि हम स्वस्थ हैं, जैसे कि हम जितना ध्यान, जितना मन, जितना विश्वास हम डॉक्टरों के, हॉस्पिटल के, दवाई के प्रति रखते हैं, उसका थोड़ा सा भी विश्वास, उसका थोड़ा सा भी विचार हम ये करें कि हम स्वस्थ हैं, हम अपने आप ठीक हो सकते हैं, या मैं ठीक हो रहा हूँ, जैसे डॉक्टर की दवाई है, डॉक्टर से बात करते हैं, दवाई लाते हैं, दवाई खाते हैं, हर दवाई के बाद ये फील करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ, देखता हूँ ठीक हो चुका हूँ शायद। जैसे बुखार होता है, बुखार में पैरासिटामोल लेते हैं कि साहब गोली खाई, अब देखते हैं थर्मामीटर लगा के बुखार ठीक हुआ नहीं हुआ, बुखार ठीक हो गया होगा, ऐसे कुछ ये कंडीशन में बंधा हुआ हमारा मन। यदि एक कंडीशन से हम बांध दें अपने मन को, विचार को, क्या ये कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अरे मैं तो पहले से स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ, तो जो मन है हमारा, जिस विचार के साथ जुड़ जाएगा, वैसा होना शुरू हो जाता है। वैसे जैसे रामचरितमानस में एक पात्र था बाली के सामने जो आता था, आधी ताकत उसकी बाली के अंदर आ जाती थी, और इतनी ताकत उसके अंदर आती थी बाली के अंदर कि भगवान राम को भी छिपके तीर मारना पड़ा, पीछे से बाली को मारने के लिए भगवान राम को भी छिपके तीर मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान राम सामने आकर तीर मारते बाली को, तो भगवान राम की ताकत बाली, आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती है। तो मन भी इस बाली की भांति है, जो विचार मन के सामने आ जाता है वो विचार बढ़ जाता है, उस विचार की ताकत बढ़ जाती है। तो सोच कर देखें आप, जरा विचार करें आप, मन में ये धारण करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, या ठीक हो, मुझे इसमें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, या हर आहार के साथ आप ये अनुभव करें कि ये जो मैं आहार ले रहा हूँ ये पुष्टिकारक है, ये मुझे स्वस्थ करेगा, ठीक करेगा, तो आप ठीक होंगे, आपको पुष्टि मिलेगी। हर जल के साथ आप खाली जल से उपचार कर सकते हैं, क्या कि पानी का गिलास आपके हाथ में आया, आने के बाद आप थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, ये जल जो है, ये जल मुझे ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा, मेरे शरीर को शुद्ध करेगा, जल से मुझे ये लाभ होगा, और फिर उस जल को आप देखें, दृष्टि उसके अंदर डालें और उसको पी के देखें, तो आपको लाभ होगा, आप स्वस्थ होंगे, आप ठीक होंगे। और इस जल को जो मैं आपसे ये प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ, ये प्रयोग मेरा अपना नहीं है, ये वैज्ञानिकों का है, बाकायदा कैमरे के थ्रू बाकायदा ओरा जल का लिया गया और व्यक्ति का ओरा लिया गया, उनको चेक किया गया, पता किया गया कि जल में दृष्टि करने से, जल में विचार डालने से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो खाली जल से भी आप अपने आप को उपचार में ला सकते हैं, सांसों से भी इलाज कर सकते हैं, आप बैठे बैठे हर सांस के साथ अनुभव करें, मुझे, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे अंग ठीक हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे लाभ मिल रहा है, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग के अंदर चेतना का संचार हो रहा है, तो होता है, होगा, होता है, कोई ऐसी कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये इनके ऊपर वैज्ञानिक खोज हो चुकी हैं और लोगों को लाभ मिले, लोग ठीक हुए हैं, लोग स्वस्थ हुए हैं। कैंसर जैसी स्थिति में लोग पड़े हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं जी, गए गए, अब जाएंगे, एक दो महीने के मेहमान हैं। व्यक्ति ने विचार करना शुरू किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, तो उस विचार मात्र से व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। तो विचार जैसा हमारा मन जिसके साथ जुड़ जाता है, जिस विचार के साथ,
कि मैं स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, स्वस्थ होते हैं। इसके विपरीत कि शायद मुझे कहीं गांठ तो नहीं है, गांठ कैंसर का रूप तो नहीं ले ले, ये सिस्ट है, ये बन रही है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रही है, रूप बार बार उसको चेक करेंगे, चेक करते हैं, देखते हैं बढ़ तो नहीं रही है, यहाँ गांठ होगी सपोज, रोज़ चेक करेंगे, देखेंगे अरे ये गांठ तो बढ़ रही है, शायद पहले से कम तो नहीं है, ये तो दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये गांठ बढ़ेगी, दिक्कत होगी, उसको विचार करें कि स्वस्थ हो रही है, ठीक हो रहा है, केवल हाथ मात्र से आप टच करके, केवल विचार करके, केवल भावना दे के कि हाँ ये देखो स्वस्थ हो रहा है, प्राण की ऊर्जा इसको मिल रही है, ये ठीक हो रही है, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो चुकी है, इसको प्राणिक हीलिंग या रेकी का एक भाग भी बोलते हैं कि अपने हाथों से हम ऊर्जा दें, प्राण ऊर्जा दें, तो विचार से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपना सम्मोहन तोड़ें, अपने शरीर की शक्ति को पहचानें कि इसके अंदर कोई दोष, कोई गलत भोजन खा लेते तो उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ खाने को हम खा के जमा करते रहते हैं, तो यदि हम कुछ भी खा के इस तरह से स्वस्थ हैं तो विचार करके तो और स्वस्थ हो सकते हैं, तो विचार मात्र से उपचार हो सकता है, विचारों को उज्ज्वल बनाएं और अपने शरीर पर विश्वास रखें, शरीर भगवान की दी हुई बहुत बड़ी एक मशीन है, कंप्यूटर है, एक जीवित आपको दिया हुआ एक उपहार है, इसको रोज अपने विचारों से स्वस्थ करें, मन बहुत बड़ी ताकत है, मन से अपने आप को सबल बनाएं, बुद्धि से विवेक शक्ति जागरण होती है, इसका लाभ उठाएं और आत्मा की शक्ति को पहचानें, हमारे पास ये चार महाशक्तियाँ हैं, विचार करें कि एक एक अलग अलग शक्ति का जो यदि आप सही सदुपयोग उपयोग हो तो यही जो मानव महामानव भी बन सकता है। अरविंद घोष ने कल्पना की थी कि मानव में महामानव बनने के पूरे गुण हैं, अपने आप को विचार मात्र से ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने बुद्धि में परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।